हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी जोरों पर है। हरियाणा में तो बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं हरियाणा का जो सर्वे आया है वो भी काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। कांग्रेस को 90 में से 65 सीटों पर जीत मिल सकती है। जी हां, मतलब एक तरफा जीत। बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। दरअसल लोकपोल ने हरियाणा को लेकर जो सर्वे जारी किया है उसमें कहा गया है कि अभी अगर चुनाव हो तो कांग्रेस को 58 से 65 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस का वोट शेयर 46 से 48% हो सकता है। सर्वे में बीजेपी को 20 से 29 सीटें ही मिलने का अनुमान दिखाया गया है, जबकि उसका वोट शेयर 35 से 37% रह सकता है। लोकपोल ने हरियाणा के लिए किए गए अपने इस मेगा प्री पोल सर्वे का सैंपल साइज 67,500 रखा था, जिसके आधार पर ये नतीजे आए हैं। वहीं इस सर्वे के बाद तो बीजेपी के लिए मुसीबत मानो दरवाजे पर खड़ी थी। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की और धड़धड़ा कर बीजेपी गिरने लगी। चलिए समझते हैं कैसे। दरअसल राजकुमार का एक डायलॉग काफी मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है, ये वाला। लेकिन आजकल सच में हरियाणा के बीजेपी नेता पॉकेट में इस्तीफा लेकर घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ताश के पत्ती की तरह बिखर रही है। इस्तीफे के दौर ऐसे जारी हैं जैसे लाइन में लगकर कह रहे हो, पहले मेरा इस्तीफा ले लो, पहले मेरा, पहले मेरा। बीजेपी में भयंकर हाहाकार मच चुका है, वो भी चुनाव सिर पर है तब। पार्टी ने अभी सिर्फ अपनी पहली ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और बगावती सुर बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, कई निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं, तो कोई प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल दिखा रहा है। बीजेपी के लिए इससे पहले भी हरियाणा में अंदरूनी कलह एक चुनौती रही है, अब तो चुनावी मौसम में भी इसने सिर उठाना शुरू कर दिया है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की राह मुश्किल नजर आ रही है। इस्तीफे के इस लिस्ट में सावित्री जिंदल से लेकर तरुण जैन तक के जैसे नाम शामिल हैं। कई ने तो खुलकर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि टिकट कटने की वजह से ये सारे नेता नाराज भी हो चुके हैं और बीजेपी का सुपड़ा हरियाणा में साफ होता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी की एक नेता तो रो पड़ी। हरियाणा के सोनीपत से कविता जैन टिकट चाह रही थी, लेकिन उनके बदले कांग्रेस से हाल में ही बीजेपी में आए निखिल मदान को टिकट दे दिया गया। निखिल मदान को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया तो पूर्व मंत्री कविता जैन एक सभा में भावुक हो गई और रोने लग पड़ी। कार्यकर्ताओं को हम क्लियर कर देंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। और निसंदेह जो मेरे बेटे ने कहा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। पिछले 5 साल मेरी बेटी, पूरे 15 साल हो गए जिसको हमने हॉस्टल में भेजा हुआ है। इस 5 साल के दौरान दो साल में हमने केवल 10 दिन बुलाया है, सोनीपत बुलाया है कि बेटा हमारे पास समय के लिए। बैठक के दौरान भी कविता जैन भावुक नजर आईं और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वहीं इस दौरान बीजेपी पार्टी के खिलाफ बीजेपी वाले ही कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी बीजेपी के खिलाफ ही करते नजर आए। वहीं कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की माता सावित्री जिंदल ने आजाद चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया है। वो हिसार से टिकट चाह रही थी, लेकिन उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। हिसार में देश की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने कहा कि मैं बीजेपी की सदस्य नहीं हूं, केवल बेटे ने बीजेपी ज्वाइन की थी। मतलब बीजेपी नेता सब अब बगावती तेवर अपना रहे हैं और कन्नी भी काट रहे हैं बीजेपी से, क्योंकि हिसार मेरा परिवार है, शुरू से हम लोग हिसार में ही रहे हैं। तो अभी भी मैं एक सेवा करने का मौका और चाहती हूँ, मुझे एक सेवा करने का मौका मिले जिससे कि मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूँ। और ये वैसे भी मेरा लास्ट चुनाव है, इस समय मैं अपने जो मेरे अधूरे काम है, जो बाकी रह गए कुछ भी, वो सारे मैं पूरा करके और अपने हिसार की जनता के सारे काम कर देना चाहती हूँ।
वैसे इस समय बीजेपी दावा कर रही है कि नाराज नेताओं को मना लिया जाएगा। खुद सीएम नायब सिंह सैनी से लेकर मनोहर लाल खट्टर बागियों को मनाने में लगे हुए हैं। नायब सिंह सैनी खुद जहां से टिकट चाह रहे थे वहां से शायद उन्हें भी टिकट नहीं मिला। इस मामले को लेकर के भी कांग्रेस जो है काफ़ी ज़्यादा चुटकी ले रही है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलेजा ने तो दावा कर दिया है कि बीजेपी के पास अब इतने उम्मीदवार ही नहीं है कि वो सीटों पर उतार सके, इस वजह से बाहरी चेहरों पर दाव चलना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि भाजपा की फ्रस्ट्रेशन और भाजपा का जो एक वहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे जमीन जब बिल्कुल बंजर हो जाती है उस तरह का सामने नजर आ रहा है। इस समय सीएम नायब सिंह सैनी का लाडवा से लड़ना भी विरोधियों को चुटकी लेने का मौका दे गया है। करनाल से जीतने वाले नायब अब कुरुक्षेत्र से सटी लाडवा से चुनाव लड़ने मैदान में उतर गए हैं। इस मामले पर दुष्यंत चौटाला ने तो सीएम को कटी पतंग तक कह डाला है। वहीं हरियाणा जम्मू कश्मीर का ये जो सर्वे आया है वो बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर लेकर के आया है। दरअसल कश्मीर में भी बीजेपी की हालत कुछ सही नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी को इससे भी काफ़ी ज़्यादा झटका लग सकता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लोक पोल की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 51 से 56 सीट मिल सकती है। उसका वोट शेयर 40-42% तक रह सकता है। सर्वे में जम्मू कश्मीर में बीजेपी को इस बार 23 से 26 सीटें ही मिलने का दावा किया जा रहा है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो ये 28-30% रह सकता है। सर्वे में पीडीपी को 4-8 सीट और अन्य को 3-7 सीट मिलने का दावा किया गया है, जबकि वोट शेयर की बात करें तो पीडीपी को 18-20% और अन्य को 10-13% वोट शेयर मिल सकता है। लोक पोल ने जो हरियाणा को लेकर सर्वे जारी किया है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि कांग्रेस को 65 सीटें आ सकती है, वहीं बीजेपी को जो है 20-29 सीटों पर सिमट सकती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा गैप है। वहीं इससे कुछ दिन पहले टाइम्स नाउ, नवभारत और मेट्राइज ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे में दावा किया था कि बीजेपी को 37-42 सीट मिल सकती है। वहीं सर्वे में कांग्रेस को 33-38 सीट, जेजेपी को 3-8 सीट दिखाया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चारों तरफ से बीजेपी चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में घिरती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी कुछ हालत बेहतर नहीं है बीजेपी की। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस बार हरियाणा में कौन जीत दर्ज करेगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।